और राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव गढ़ी लांगरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभकारी हो रही है। तो राज्य मंत्री ने सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है। भारत संकल्प यात्रा जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है। छोटे से छोटा, जैसे ये गांव बहुत छोटा है जनसंख्या वाइज भी, छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। और साथ ही में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर उसमें भाग ले रहे हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है, किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हमारे, हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है, और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग्य बनाओ। पहले योजनाएं बनती थी सिर्फ वहां तक रहती नहीं, कहा जाता था कि नीचे आ...